शाही स्नान का बड़ा महत्व होता है। जब हमारे देश का निर्माण हुआ था, मंथन हुआ था, जो मंथन से अमृत निकला गया था, वह अमृत प्रयागराज में पहला बूंद यहाँ गिरा आपके हरिद्वार में, दूसरा बूंद प्रयागराज में, तीसरा बूंद नासिक में, चौथा बूंद उज्जैन में। जिस समय अमृत गिरता है उसी समय शाही स्नान हम लोग सभी, इस समय ये जो शिव स्नान होता है, क्या होता है ये, इस समय कांडो का रूप होता है। समय जितने नागा समाज है ये किसी कुछ देखता नहीं है, क्योंकि इनका जो रूप विकराल रूप, क्या है ये विकराल रूप, इसलिए पुलिस प्रशासन रेकिन को संभालती है कि जनता में कोई दुर्घटना ना आ पाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में, और हरिद्वार में आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लगातार नागा साधु शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ नागा बाबा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बाबा, शाही स्नान करने जा रहे हैं, क्या महत्व है नागा? शाही स्नान का बड़ा महत्व होता है। जब हमारे देश का निर्माण हुआ था, मंथन हुआ था, जो मंथन से अमृत निकला गया था, वह अमृत प्रयागराज में पहला बूंद यहाँ गिरा आपके हरिद्वार में, दूसरा बूंद प्रयागराज में, तीसरा बूंद नासिक में, चौथा बूंद उज्जैन में। इसका आज का दिन जिस समय हमारा स्नान होगा उस समय तीनों लोग का रास्ता एक रहती है। अमृत उसी समय गिरता है, जिस समय अमृत गिरता है उसी समय शाही स्नान हम लोग सभी सुगा दल जो है एक अर्तिक होके और स्नान बनाता है, और इसके बाद फिर राम दरबार स्नान बनाते हैं, और स्नान बनाते हुए सभी को दर्शनार्थियों को फिर हम लोग उसी भाग में हमारे दुनिया की जनता की स्नान करती है। खेलते कूदते हुए अपने आप को ये सभी देवता के साथ में गंगा माँ में जाएंगे, स्नान बनाएंगे, और फिर पूरा परिक्रमा करते हुए और धर्म ध्वजा के नीचे फिर समाप्त हो जाएगा। आप जिस तरह तलवार वगैरह सब कुछ हाथ निकाले हुए हैं, इन शस्त्रों का भी, इस समय ये जो शिव स्नान होता है तो क्या होता है ये, इस समय कांडो का रूप होता है। इस समय जितने नागा समाज है ये किसी कुछ देखता नहीं है, क्योंकि इनका जो रूप विकराल रूप, क्या है ये विकराल रूप, इसलिए पुलिस प्रशासन रेकिन को संभालती है कि जनता में कोई दुर्घटना ना आ पाए। क्योंकि उस समय जो शाही स्नान जब चलते हैं साधु समाज नागा समाज, तो ये इनको सुध नहीं रहता कि हम कौन हैं। ये जो यहाँ खेल होता है ये सब होता है ना, ये भगवान देवताओं की दीन है, ये हमारी नहीं। नागा बाबा हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने शाही स्नान का महत्व जाना, और शाही स्नान के बारे में लगातार नागा बाबा बता रहे हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं, थोड़ा जगह दीजिएगा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो शाही स्नान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तलवार वगैरह सब कुछ इसने निकाले, क्योंकि शाही स्नान जब होता है तब कहीं ना कहीं शिव के रूप होता है नागाओं का, और यही देखने के लिए यहाँ पर आम जनता भी मौजूद है। वीडियो जल्दी सर के साथ संवाद टीवी।